महाभारत काल के राजा शिवी की कहानी। यूं तो राजा शिवी पांडवों और कौरवों के समकालीन नहीं थे, पर उनकी कथा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। राजा शिवी अपने वचन पर बने रहने और सत्य की रक्षा के लिए जाने जाते थे। एक बार अग्निदेव और इंद्रदेव ने राजा शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और इसलिए एक देवता ने सफेद कबूतर व दूसरे देव ने बाज का रूप लिया और दोनों आसमान में उड़ने लगे। कबूतर उड़ते हुए राजा शिवी के पास सुरक्षा की याचना लेकर पहुंचा और राजा ने कबूतर को उसकी सुरक्षा करने का वचन भी दे दिया। इतने में कबूतर का पीछा करते हुए बाज भी वहां आ पहुंचा और अपनी भूख को मिटाने के लिए कबूतर पर वार करने लगा। इस पर राजा ने बाज की भूख को मिटाने के लिए उसे अपने शरीर से मांस काट कर दे दिया। उस बाज ने कहा कि मुझे उतना ही मांस चाहिए जितना उस सफेद कबूतर का वजन है। तो राजा शिवी ने अपने शरीर का अधिक मांस काटकर उस बाज को दे दिया। यह देखकर दोनों देव अपने असली रूप में आ गए और राजा शिवी को वरदान दिया। इस घटना के साक्षी सभी देवों ने उन पर फूलों की वर्षा की।